देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैथल में अमरगढ़ कॉलोनी में बने गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गोदाम में अवैध तरीके से रखे गए 507 कट्टे गेहूं विभिन्न खरीद एजेंसियों के बैग में बंद मिले। इन गेहूं के कट्टों के साथ 445 खाद के कट्टे, 470 बैग पेस्टिसाइड, 900 लीटर पेस्टिसाइड लिक्विड स्प्रे भी बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार खाद्य पदार्थों के साथ पेस्टिसाइड आदि चीजें नहीं रखी जा सकती, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध है। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान मंडी सेक्रेटरी, कृषि विभाग से क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी और मामला दर्ज करने के लिए मौके पर पुलिस को बुला लिया गया। कैथल मंडी की इस फैक्ट्री पर गेहूं की मार्केट की फीस चोरी के एवज में 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया और बाकी अन्य मामलों में नियम अनुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कैथल से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। आपका नाम और कहां से कौन सा विभाग है? मैं डॉक्टर महावीर सोडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हूं। सर आज पहुंचे, क्या मामला है? कहां का मामला है? ये कैथल शहर का मामला है और इसमें गेहूं के साथ फर्टिलाइजर की स्टॉकिंग हुई हुई है। तो क्या कार्रवाई की गई है? लीगल इलीगल का तो इनके लाइसेंस देख के पता लगेगा भाई। इन्होंने लाइसेंस था इनके पास? लाइसेंस है जी इनके पास। तो सर कैसी रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे रख सकते हैं फर्टिलाइजर? गोदाम में तो रख सकते हैं। तो इसमें जो ये था गोदाम है, ये इनका गोदाम का लाइसेंस है। फिर आपने जांच में क्या पाया ये बता दो। ऐसे है, अभी ये गोदाम देखना पड़ेगा लाइसेंस पे चढ़ा हुआ है कि नहीं। अभी मैंने मंगवाया है जस्ट डिपार्टमेंट में फोन करके कि भाई इस फर्म का लाइसेंस है, आप मेरे को सेंड कर दो। अभी मैंने जस्ट व्हाट्सएप आया है, चेक नहीं किया है। तो अभी चेक करके और जो भी कार्रवाई बनती होगी डिपार्टमेंट की तरफ से हम पूरी कार्रवाई करेंगे। तो ये अभी, अभी अभी प्रेजेंटली मैं हर एक चीज़ का जो जो चीज़ है फर्टिलाइजर है पेस्टिसाइड है मैं इसका सैम्पलिंग लूँगा। जो स्टॉक कर सकते हैं सर, जैसे स्टॉक किया हुआ है? स्टॉक देखो वीट खाने वाला है ये, खाने यूरिया किया हुआ, यूरिया मिला है जी, यूरिया नहीं। मैं यही कह रहा हूँ खाने वाली चीज़ के साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को नहीं रखते। बीज के साथ हम दवाई और फर्टिलाइजर रख सकते हैं, खाने वाले किसी भी चीज़ के साथ हम लोग हिदायतें देते हैं कि भाई नहीं रखनी चाहिए। बाय चांस कोई लिख के जो सर जो स्टॉक किया हुआ है वो स्टॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्टॉक तो अभी चेक करेंगे गोदाम के हिसाब से इनके पास परमिशन है कि नहीं। प्रथम दृश्य से क्या लग रहा है, गलत किया हुआ है सर प्रथम दृश्य से? यस धन्यवाद जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्ण धनखड़े जी, मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कैथल जी। क्या मामला है भाई? ये सूचना मिली थी जी, यहाँ पे गोडाउन है, एक कॉलोनी है जो जी अमरण गामड़ी, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी तो यहाँ पे आए हैं ज्वाइंट टीम है इसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की और हमारी टीम ने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे बैग्स मिले, 507 बैग्स के आसपास मिले। तो हमने उसके वो मतलब किसी से ले कर रखी यहाँ पे ले बेच के लिए यहाँ रखवा रखे थे इन्होंने, जिसकी मार्केट फीस दे बनती थी वो हमने मार्केट फीस और HRDF जुर्माने सहित मैक्सिमम 50% जुर्माने सहित हमने भरवा लिए। नहीं कट्टों का तो खैर चलो हमें उसका वो नहीं, कट्टे तो रीयूज लग रहे हैं वो, तो फूड सप्लाई विभाग या दूसरा विभाग वो बताएगा जिसमें। हाँ वो रीयूज लग रहे हैं ये कट्टे तो हमें देखने में, वो तो कंसर्न एजेंसी है वो बता पाएंगे। क्या कार्रवाई की गई है? इसमें हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर दी जी, जो जुर्माना मार्केट फीस और HRDF का मैक्सिमम पेनल्टी 50% वो बनती थी वो हमने मौके पे ही भरवा दिया। नहीं पेस्टिसाइड का तो हमारे से संबंधित नहीं है जी। तो क्या और को आगामी कार्रवाई भी कोई की जाएगी? हाँ जैसे भी हुआ बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी है बिल्कुल हम निरंतर कार्रवाई करने लग रहे हैं, जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम रूटीन चेकिंग भी करते हैं और भी कहीं स्टोर गोदाम या जहाँ कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे ही कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी। ब्लैक मार्केटिंग है तो इसके खिलाफ कोई FIR भी होगी? नहीं FIR नहीं जी, जो ये हमारी कार्रवाई तो यही बनती है ना जी, मार्केट फीस चोरी का जो ये बनता है तो उसमें हमने जुर्माना लगा दिया जी, मैक्सिमम पेनल्टी लगा दी 50% 50% लगा। लाइसेंस वगैरह है सर इनके पास रखने का? नहीं लाइसेंस वगैरह नहीं। तो यहाँ पेस्टिसाइड वगैरह दवाइयाँ? पेस्टिसाइड का तो जी जो संबंधित विभाग है वही जानकारी देगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।